ठीक है, आज मैं करने वाला हूँ फुल बैटरी ड्रेन टेस्ट 6 स्मार्टफोन का, साथ में टेम्परेचर भी चेक करने वाला हूँ ताकि हमें हीटिंग के बारे में भी आइडिया हो जाए। गाइस किसी भी एंगल से अगर आपको आज का वीडियो हेल्पफुल लगता है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलना। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास है न्यू Redmi Note 11T 5G, Realme 8S 5G, IQOO Z3 5G, Realme X7 Max 5G, Redmi Note 10S 4G और Realme 8 4G। Redmi Note 11T और Realme 8S को पावर दिया है MediaTek Dimensity 810 प्रोसेसर ने, Redmi Note 10S और Realme 8 को MediaTek Helio G95 ने, Realme X7 Max को Dimensity 1200 ने और IQOO Z3 को Snapdragon 768G प्रोसेसर ने। बैटरी कैपेसिटी Note 11T, Realme 8S, Redmi Note 10S, Realme 8 का सेम है 5000 mAh, IQOO Z3 का 4400 mAh और Realme X7 Max का 4500 mAh। Note 11T और Realme 8S 90Hz LCD डिस्प्ले ऑफर करता है, IQOO Z3 120Hz LCD डिस्प्ले, Note 10S और Realme 8 60Hz सुपर AMOLED डिस्प्ले और Realme X7 Max 120Hz सुपर AMOLED डिस्प्ले। गाइस IQOO Z3 ओनली स्मार्टफोन है यहाँ जिसे Android 12 का अपडेट मिल चुका है, बाकी सारे फोन्स Android 11 बेस्ड OS पे रन कर रहा है नवंबर के सिक्योरिटी पैच के साथ, बट Redmi Note 10S ओनली स्मार्टफोन है जिसे अभी भी सितंबर का सिक्योरिटी पैच मिला है। सारे स्मार्टफोन्स के लिए जो भी लेटेस्ट सॉफ्टवेयर अपडेट अवेलेबल था वो मैंने इंस्टॉल कर लिया है, यानी सारे फोन्स अपडेटेड है, सारे फोन्स का मैंने बैटरी भी फुल कर दिया है। तो चलिए अब सारे फोन्स का बॉडी टेम्परेचर नोट कर लेते हैं। ओके, तो बॉडी टेम्परेचर सारे फोन्स का सेम दिख रहा है मोर लेस 25 डिग्री और रूम टेम्परेचर मेरा अभी फिलहाल 23 डिग्री। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम 2 घंटे BGMI खेलेंगे स्मूथ अल्ट्रा सेटिंग्स पे। एक इंपॉर्टेंट बात बता दूं, सारे फोन्स को मैंने 60Hz पे सेट कर दिया है, ब्राइटनेस को रखूंगा फुल और वॉल्यूम भी रहेगा फुल। BGMI ग्राफिक सेटिंग्स की अगर बात करें तो IQOO Z3 एंड Redmi Note 10S में स्मूथ एक्सट्रीम सेटिंग्स पे गेम खेल सकते हो और Realme X7 Max में 90fps पे भी। 2 घंटा होने वाला है, एक बार वापस से टेम्परेचर नोट कर लेते हैं। Redmi Note 11T 37 डिग्री पे दिख रहा है, 12 डिग्री टेम्परेचर बढ़ गया है। Realme 8S 35 पे दिखा, 10 डिग्री टेम्परेचर बढ़ा है। IQOO Z3 36 पे दिखा, 11 डिग्री टेम्परेचर बढ़ा है। Realme X7 Max 37 पे दिखा, 12 डिग्री टेम्परेचर बढ़ा है। Redmi Note 10S 39 पे दिखा, 14 डिग्री टेम्परेचर बढ़ा है और Realme 8 37 डिग्री पे दिखा, यानी 12 डिग्री टेम्परेचर बढ़ गया है। अब गाइस बैटरी नोट 11T 71% पे दिख रहा है, 29% बैटरी ड्रॉप हुआ है, मैंने मिलियन पर भी लिख दिया है। एंड रियलमी 8S 74% पे दिख रहा है, 26% बैटरी ड्रॉप हुआ है। IQOO Z3 5G 71% पे दिख रहा है, 29% बैटरी ड्रॉप हुआ है। रियलमी X7 Max 74% पे दिख रहा है, 26% बैटरी ड्रॉप हुआ है। रेडमी नोट 10S 72% पे दिख रहा है, 28% बैटरी ड्रॉप हुआ है और रियलमी 8 71% पे दिख रहा है, 29% बैटरी ड्रॉप हुआ है 2 घंटों में। अब गाइस कैमरा 1080p 30fps पे हम वीडियो रिकॉर्ड करेंगे 1 घंटे के लिए। चलिए देखते हैं BGMI के बाद कैमरा यूज़ करने पे और टेम्परेचर बढ़ा है या नहीं। Redmi Note 11T सेम दिख रहा है 37 डिग्री, यानी टेम्परेचर नहीं बढ़ा है। Realme 8S 35 से 40 पे आ गया, 5 डिग्री टेम्परेचर और बढ़ गया है। IQOO Z3 41 डिग्री दिख रहा है, अगेन 5 डिग्री टेम्परेचर IQOO Z3 में भी बढ़ा है। Realme X7 Max 40 पे दिखा, 3 डिग्री टेम्परेचर बढ़ा है। Redmi Note 10S 39 पे था, 40 पे दिखा, यानी 1 डिग्री टेम्परेचर और बढ़ाया। और Realme 8S 37 पे था, 38 पे दिख रहा है, अगेन 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ा है Realme 8M। बैटरी Redmi Note 11T 57% पे दिख रहा है, 14% बैटरी ड्रॉप हुआ है। Realme 8S 57% पे अगेन दिख रहा है, 17% बैटरी ड्रॉप हो चुका है। IQOO Z3 51% पे दिख रहा है, 20% बैटरी ड्रॉप हुआ है। Realme X7 Max 56 पे दिख रहा है, 18% बैटरी ड्रॉप हुआ है। Redmi Note 10S 57% पे दिख रहा है, 15% बैटरी ड्रॉप हुआ है। और Realme 8 की बात करूं तो 54 पे दिख रहा है, 17% बैटरी ड्रॉप हुआ है। अब गाइस YouTube 3 घंटे हम 720p वीडियो देखेंगे ब्राइटनेस को फुल करके और वॉल्यूम रहेगा 50%। BGMI में सबसे अच्छा परफॉर्मेंस Realme X7 Max का देखने को मिला बैटरी की अगर बात करो, उसके बाद IQOO Z3 का तीसरे नंबर पे, Realme 8S 4th नंबर पे, Redmi Note 10S 5th नंबर पे, Realme 8 और Note 11T। कैमरा में सबसे अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिला Note 11T का 2nd नंबर पे, Redmi Note 10S का 3rd नंबर पे, Realme X7 Max और 4th नंबर पे, Realme 8S और Realme 8 5th नंबर पे, IQOO Z3। 3 घंटा YouTube का हो गया, टोटल हो गए 6 घंटे। गाइस 6 घंटे के बाद
रेडमी नोट 11T का बैटरी आ गया 32% पे, 25% बैटरी ड्रॉप है 3 घंटा यूट्यूब पे वीडियो देखने के बाद। रियलमी 8S 28% पे दिख रहा है, 29% बैटरी ड्रॉप है। आईक्यू Z3 21% पे दिख रहा है, 30% बैटरी ड्रॉप है। रियलमी X एंड मैक्स 31% पे दिख रहा है, 25% बैटरी ड्रॉप है। रेडमी नोट 10S 34 पे दिख रहा है, 23% बैटरी ड्रॉप है। रियलमी 8 की बात करूँ तो 32 पे दिख रहा है, 22% बैटरी ड्रॉप हुआ है। गाइस मल्टीमीडिया यूट्यूब की अगर बात करूँ तो एक्सपीरियंस सबसे अच्छा रहा रियलमी 8 का, दूसरे नंबर पे Realme X एंड Max का, तीसरे नंबर पे Redmi Note 10S का। नाउ Instagram 2 घंटे के लिए ब्राइटनेस रहेगा फुल और वॉल्यूम रहेगा 50% पे। ओके गाइस, तो पहला विकेट 7 घंटे 38 मिनट कुछ सेकंड्स में आईको Z3 का 4400 mAh बैटरी, 7 घंटे 40 मिनट के आसपास का स्क्रीन ऑन टाइम, इनका 21%, 1 घंटे 38 मिनट चला Instagram। तो गाइस आईको Z3 को छोड़कर सारे स्मार्टफोन्स ने 8 घंटा कंप्लीट कर लिया, इंस्टाग्राम का 2 घंटा हो गया। Redmi Note 11T 8% पे दिख रहा है, 24% बैटरी ड्रॉप हुआ है। Realme 8S 5% पे आ गया है, 23% बैटरी ड्रॉप हुआ है। Realme X एंड Max 6% पे दिख रहा है, 25% बैटरी ड्रॉप हुआ है। Redmi Note 10S 19% पे दिख रहा है, 15% बैटरी ड्रॉप हुआ है। और Realme 8 13% पे दिख रहा है, 19% बैटरी ड्रॉप हुआ है। इंस्टाग्राम में सबसे अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिला Redmi Note 10S का, दूसरे नंबर पे Realme 8, तीसरे नंबर पे Realme X एंड Max, यानी तीनों सुपर एमोलेड डिस्प्ले वाले स्मार्टफोन। अब गाइस हम 2 घंटे कैजुअल गेमिंग करेंगे, यानी सबवे सर्फर खेलेंगे। 8 घंटे 26 मिनट में Realme 8S डेड, 8.5 घंटे का स्क्रीन ऑन टाइम, 5000 mAh बैटरी, इनका 5% 26 मिनट चला सबवे सर्फर। तीसरा विकेट 8 घंटे 42 मिनट कुछ सेकंड्स में नोट 11T का, 16 मिनट्स ज़्यादा चला Realme 8S से, सेम बैटरी कैपेसिटी, सेम प्रोसेसर, बट डिस्प्ले थोड़ा सा बड़ा, इनका 8% 42 मिनट्स चला सबवे सर्फर, 5000 mAh बैटरी, 8 hours and 42 minutes स्क्रीन ऑन टाइम। और बोलते बोलते Realme X एंड Max 5GB डेड 8 hours and 44 minutes में, 4500 mAh की बैटरी, 8 घंटे 44 मिनट का स्क्रीन ऑन टाइम। गाइस इनका 6% 44 मिनट चला सबवे सर्फर। वाओ, तो 9 घंटा कंप्लीट हो चुका और अभी भी मैदान में 2 4G स्मार्टफोन डटा हुआ है। दोनों सेम MediaTek Helio G95 प्रोसेसर वाला स्मार्टफोन, दोनों की बैटरी कैपेसिटी सेम 5000 mAh और दोनों का डिस्प्ले का साइज भी सेम है, दोनों 60Hz सुपर एमोलेड डिस्प्ले ऑफर करता है। Realme 8 9 घंटे 20 मिनट के बाद हार मान गया, इनका 13% 1 घंटा 20 मिनट चला सबवे सर्फर, 5000 mAh बैटरी और ऑलमोस्ट 9.5 घंटे का स्क्रीन ऑन टाइम। वाओ, टोटल हो गए 10 घंटे 2 घंटा सबवे सर्फर का कंप्लीट हो चुका और किसी वक्त भी Redmi Note 10S डेड हो सकता है, एंड हो गया 5000 mAh बैटरी और 10 घंटे का स्क्रीन ऑन टाइम, एक्सेलेंट। इनका 19% 2 घंटे हमने कंटिन्यू सबवे सर्फर खेला। अब गाइस नजर डाले थे थोड़े से डिटेल पे, मैंने पर मिनट में कौन से स्मार्टफोन ने डिफरेंट टास्क में कितना mAh बैटरी यूज किया है वो लिख दिया है। स्टार्ट करते हैं BGMI से। BGMI में सबसे अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिला Realme X एंड Max का, 9.75 mAh पर मिनट में यूज किया। दूसरे नंबर पे आईको Z3 10.63 mAh, तीसरे नंबर पे Realme 8S 10.83 mAh, चौथे नंबर पे Redmi Note 10S, पांचवें नंबर पे Realme 8। वीडियो रिकॉर्डिंग की बात करें तो कैमरे में सबसे अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिला Note 11T का, दूसरे नंबर पे Redmi Note 10S का, यानी दोनों Redmi के स्मार्टफोन ने अच्छा परफॉर्म किया। तीसरे नंबर पे Realme X एंड Max का, चौथे नंबर पे Realme 8S, और Realme 8 सबसे पुअर परफॉर्मेंस देखने को मिला रिकॉर्डिंग में आईको Z3 का। मल्टीमीडिया YouTube में सबसे अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिला Realme 8 का, दूसरे नंबर पे Realme X एंड Max का, तीसरे नंबर पे Redmi Note 10S का। Instagram में सबसे बढ़िया परफॉर्मेंस रहा Redmi Note 10S का, दूसरे नंबर पे Realme 8, तीसरे नंबर पे Realme X एंड Max, चौथे नंबर पे iQOO Z3, पांचवें नंबर पे Realme 8S और सबसे पुअर Note 11T। जिस स्मार्टफोन का बैटरी कैपेसिटी ज्यादा, स्क्रीन ऑन टाइम उसमें हमें ज्यादा देखने को मिलेगा। अगर एवरेज निकालकर हम बात करें तो पर मिनट में सबसे कम बैटरी यूज किया है Redmi Note 10S ने, और दूसरे नंबर पे नाम आता है Realme X एंड Max का, तीसरे नंबर पे Realme 8, चौथे नंबर पे Note 11T और पांचवें नंबर पे iQOO Z3। उम्मीद करता हूँ वीडियो आप लोगों को हेल्पफुल लगा होगा। अगर वीडियो किसी भी एंगल से आपको हेल्पफुल लगा प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, और इस फ्यूचर में ऐसे वीडियोस देखते रहने के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलना।